कल रात को तो मेरे को इधर से जाने का गाड़ी नहीं मिला था। वो गाड़ी वहाँ से छोड़ती है, वो गाड़ी वहाँ से छोड़ती है, वो नीचे रास्ता है वहाँ से छोड़ती है। आह, सुबह का ये नज़ारा है इधर का, ये सब पहाड़ है। फोक बहुत ज़्यादा है। नीचे जगह है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, और नीचे जगह, नीचे खाई है। रास्ता तो आप लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा होगा कि इतना फॉग है। तो कल तो गाड़ी नहीं मिला इधर से जाने के लिए, तो मैं भैया के रूम में रह गया था। ये है भैया का रूम, ये भैया का रूम। तो मैं इधर खाना पीना करके इधर ही सो गया था। ये रूम है इनका, ये जो है ना, ये मिट्टी का बना हुआ है, पूरा पूरा मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी और सीमेंट और गोबर लेके बनाया गया थी। और रूम का अंदर दिखाता हूँ अभी, ये रूम का अंदर। वो मेरे को बेड दिया था सोने के लिए, ये रूम। रूम आपको एक बार दिखा देता, ये पूरा रूम। ये मेरा बेड था, रावंगला से तो हम यहाँ टिक्की धाम तक पैदल चल के आ गए थे, लेकिन वो नीचे आने वाला जगह था, लेकिन ऊपर जाने में संभव नहीं है क्योंकि बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है रावंगला, बहुत ऊपर है टिक्की धाम, बहुत नीचे है। तो गाड़ी मिल गई है और गाड़ी में ही जाना पड़ रहा है। इनके गाड़ी में जा रहा हूँ, भाई की गाड़ी है, इनकी गाड़ी है, और सामने थोड़ा सा वीडियो बना लेता हूँ। ये सामने वाली रास्ता है, पूरा खारा ऊपर जाना पड़ेगा। जो यहाँ के लोगों के सिवा संभव नहीं है ऊपर चढ़ना, इतना ऊपर जाना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। पीछे मेरा तो बैग है, बोल्स है, बहुत ऊपर की तरफ जा रहे हैं। चलिए रामंगला पहुँच के फिर दिखाते हैं, जाने के टाइम में कुछ अच्छे दिखने को मिले तो दिखा दूंगा आप लोगों को। रा बंगला में ये मेरा लास्ट वीडियो है, और मैं आज नीचे जा रहा हूँ सिलीगुड़ी। उधर से आज या कल कलकत्ता चला जाऊँगा। तो लास्ट एक बार पहाड़ को दिखा देता हूँ आप लोगों को, देख लीजिए। और बाय रा बंगला। आज तो थोड़ा बहुत फॉग कम है, वो ऊपर अभी भी बर्फ है उस चोटी में, पूरा रहा बंगला यहाँ से, पूरा रहा बंगला। ये है तो रावंगला में लास्ट वीडियो बना लिया। अभी जाऊंगा सिलीगुड़ी के गाड़ी में चढ़ जाऊंगा और बैठ के सिलीगुड़ी चलता हूँ। तो बाय बाय सिक्किम, बेस्ट टू कोलकाता, बाय।
कोलकाता से सिलीगुड़ी जाने की रास्ते में एक होटल में गाड़ी रुक गया, बोला भैया कुछ खा लो, खा के फिर सिलीगुड़ी तक जाएगा। एक बार ही गाड़ी रुकता है और यह है गाड़ी हमारा, ये गाड़ी और ये होटल में हम लोग खाने के लिए रुका, ये होटल जो और वो नीचे हम लोगों को जाना है और ऊपर ये पहाड़ सब। वो रास्ते से हम लोग आए हैं, वो ऊपर सब पहाड़ इधर देखो, ये पहाड़ ये सब पहाड़। और ये हमारे ड्राइवर साहब है, ये हमारे ड्राइवर साहब है, उन्हीं की गाड़ी में हम जा रहे हैं। बस हम लोग मालदीप पास गए अभी। हाँ, सिलीगुड़ी जाने में अभी कितना टाइम लगेगा? 2.5 घंटे। अभी 2 घंटा लगेगा सिलीगुड़ी जाने के लिए। ठीक है, नीचे चलते हैं, देखते क्या होता है। साउथ बंगाल में आऊँ और आपका चाय का बागान ना दिखाऊँ आप लोगों को तो आप लोग बुरा भला कहोगे कि ये गया चाय का बागान नहीं दिखाया, सब कुछ दिखाया। तो आ गया हूँ चाय की बागान, मेरा पीछे पूरा पूरा चाय की बागान, पूरा चाय की ये बागान है। ठीक है, जितना दूर तक जाओगे उतना ही चाय का बागान, पीछे भी। अरे पीछे पलास आ रहा है और जिधर तक नज़र जाएगा आप लोगों को इधर पूरा चाय का बागान। ये देखिए, हम लोग थोड़ा ऊपर तक जाएंगे देखने के लिए, जिधर देखोगे आप इधर पूरा पूरा एकदम, कितना चाय चाहिए ले लो सिर्फ। ये है पूरा बागान। पूरा बागान भरा हुआ है चाय। जितना दूर आपका नजर जाएगा चाय बागान ही चाय बागान है इधर चारों तरफ। उधर कुछ बस्तियां है और चाय वाले लोगों की, नीचे तरफ नजर जाएगा आपको। कितना चाय चाहिए आपको देखिए, देख रहे हैं चाय की बागान। चलिए थोड़ा और सामने जाते हैं और दिखाते हैं कैसे। बीच से रास्ता गया है पैदल चलने वाली और चारों तरफ वो ऊपर तक पूरा चाय की बागान। ये दोनों तरफ मेरे चाय की बगीचा, ये दोनों तरफ हम बीच से जा रहे हैं, ये है रास्ता, पूरा दोनों तरफ चाय की बागान है। जितना दूर आप लोग देखेंगे, जितना दूर नजर जाएगा सिर्फ चाय की बागान, चाय की बागान जितना दूर नजर जाएगा चारों तरफ चाय की बागान। ये चाय जितना दूर आपका नजर जाएगा, जितना दूर नजर जाएगा आप लोग चाय की बागान। ये इसको एक्चुअली उठाया जाता है ऐसे, इसको उठाया जाता है, ये छोटे पत्ती है तीन, ये आपका होगा असली चाय, ये चाय है। फिलहाल तो इसमें खुशबू नहीं आएगा, बाद में इसकी खुशबू। चारों तरफ जितना दूर तक आपका नज़र जाएगा चाय की बागान ही बागान है पूरा। बीच बीच में ये छोटा छोटा पेड़ है, जिधर तक आपका नज़र जाएगा चाय की बागान, वो दूर बस्ती है लोगों की। तो चलिए सामने बढ़ते हैं। और एक चीज़ है, एक फूल खिला हुआ है किसी के घर में शायद,
वो फूल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उधर जाता हूँ फिर। वो लाल कलर का किसी का घर में हुआ है ऊपर, यहाँ से तो नज़र नहीं आएगा वो दूर। चलिए उधर जाके उसको भी दिखाता हूँ। ये पेड़ के ऊपर क्या हुआ है मालूम नहीं। और ये वो फूल वो लाल कलर का फूल आपको शायद दिख रहा होगा। और हम चल रहे हैं चाय बागान के अंदर से। तो मेरा एनजेपी स्टेशन आ गया, पोलास को यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि ये अभी रहेगा इधर और 15-20 दिन का अभी काम है पोलास का। पोलास मेरा तो नसीब में नहीं हुआ, पोलास दार्जिलिंग जाएगा और वो जगह घूम कर आएगा और भाई वहाँ पे जाकर मेरे को वीडियो भेजते रहना, ठीक है। पोलास जा रहा है और ये है नहीं एनजेपी, ये एनजेपी। तो बाय बाय एंड साउथ बंगाल को मिस कर रहा हूँ, लेकिन घर में जाने का खुशी कुछ तो अलग ही होता है, उसका खुशी बयां नहीं कर सकता। घर में जाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, चाहे आप किधर भी रहो लेकिन घर जाने के वक्त आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगा। तो चलिए मेरा 8 बजे ट्रेन है, 7:30 तक मेरे को बाय बाय होगा। प्लस को यहीं पे छोड़ देता हूँ, प्लस लास्ट बाय बाय। ओके ओके बाय।